द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे महर्षि व्यासदेव के बारे में। और पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाई किए थे कि कैसे महाभारत ग्रंथ का जो रचना समाप्त हुआ। तो आज हम देखेंगे कि महाभारत ग्रंथ में क्या क्या है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। अस्मिन् विशाल ग्रंथे सर्वविधं ज्ञानम् अस्ति। अस्मिन् मतलब इस विशाल ग्रंथ में, ये विशाल ग्रंथ में, किस विशाल ग्रंथ में, महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में सर्वविध मतलब सब कुछ, ज्ञानम ज्ञान अस्ति है। ठीक है, अस्ति का अर्थ है। तो ये जो महाभारत नामक विशाल ग्रंथ है, इस विशाल ग्रंथ में सब कुछ ज्ञान है, सारे ज्ञान है। ठीक है, अतः बुद्ध जनाः कथयन्ति, इसलिए, अतः का अर्थ है इसलिए, बुद्ध जनाः मतलब बुद्धिमान लोग। ठीक है, जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कथयन्ति कहते हैं, यदि अस्ति तद अन्यत्र न हस्ति न तद क्वचित। इसका अर्थ क्या है देखो, अर्थात यत सर्व सर्व महाभारत अस्ति तत् अन्यत्रापि अस्ति, यत् महाभारते नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति। तो ये जो लाइन लिखा गया है, यद्या अस्ति तद् अन्यत् यन्न हस्ति न तत् क्वचित्, इसका अर्थ क्या है, अर्थात यत् सर्वम मतलब जो सब, सर्वम का अर्थ है सब कुछ, महाभारते अस्ति जो सब कुछ महाभारते है मतलब जो सब महाभारत ग्रंथ में है, अस्ति का अर्थ है, तत् अन्यत्रापि अस्ति, तत् मतलब वह, वह क्या है, अन्यत्रापि मतलब वह भी कहाँ है, सब जगह है, अन्यत्रापि का अर्थ है सब जगह है, जो महाभारत ग्रंथ में है वो सब कुछ हम और जगह है, वो सब जगह है। ठीक है, लेकिन यत् महाभारते नास्ति, जो महाभारत में नहीं है, यत् का अर्थ है जो महाभारत नास्ति नहीं है, तत् वो कुत्रापि नास्ति कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि महाभारत नामक जो विशाल ग्रंथ है, महाभारत विशाल नामक विशाल ग्रंथ में सब कुछ ज्ञान है। ठीक है, और जो हम महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में जो ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, वो ज्ञान और कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवा नाम कथा वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में कौरव और पांडव, पांडवानंद कौरव और पांडव, पांडव का क्या है, पांडव का कथा वर्णनम अस्ति, कथा है। कौरव और पांडव जो थे उनके बारे में इसमें भी वर्णना किया गया है, किसमें, महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में कौरव और पांडव के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता भी अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता। और श्रीमद् भगवत गीता जो है, आप लोग को पता होगा, वो श्रीमद् भगवत गीता भी अस्य ग्रंथस्य इस ग्रंथ का, इस महाभारत ग्रंथ का एव अंशभूता, अंशभूता का अर्थ है भाग, एक भाग है। ठीक है, जो महाभारत नामक विशाल ग्रंथ है उसमें जो श्रीमद् भागवत भी, श्रीमद् भगवत गीता भी एक भाग है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में वर्णना किया गया है। महर्षि व्यासदेवस्य एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृते सनातन धर्मस्य च बहु तथ्यानां तत्त्वानां च आधार ग्रंथः। महर्षि व्यासदेवस्य एषः ग्रंथः, ये जो महर्षि व्यासदेव के द्वारा रचना किया गया है जो महाभारत ग्रंथ, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म से, सनातन धर्म से च बहुत तथ्यानक, बहुत सारे तथ्य है। और महाभारत ग्रंथ में किसके बारे में है, भारतीय संस्कृति बारे के बारे में है, सनातन धर्म के बारे में है, सारे बहुत कुछ तथ्य है उसमें। और तत्वानाम च आधार ग्रंथ है, तो ये जो आधार ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ है, महाभारत नाम का जो विशाल ग्रंथ है उसमें भारतीय संस्कृति का सारे कुछ वर्णन किया गया है। भारत में क्या क्या है, भारत में कौन से त्यौहार मना जाता है, क्या संस्कृति है,
सब सारे कुछ वर्णना किया गया है, सनातन धर्म के बारे में वर्णना किया गया है और भगवत गीता के बारे में वर्णना किया गया है, कौरव पांडव के बारे में वर्णना किया गया है। ठीक है, तो इस महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में सब कुछ है और इस विशाल ग्रंथ में जो हमको मिलता है और वो हर कहीं भी मिलता है, लेकिन जो इस विशाल ग्रंथ में नहीं मिलेगा वो सारे कहीं नहीं मिलेगा। महर्षि व्यासदेव सर्वेषां प्रातः स्मरणीय, अतः मतलब इसलिए महर्षि व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव सर्वेषां मतलब सबका प्रातः स्मरणीय। प्रातः स्मरणीय का अर्थ क्या है? आदरणीय या पूजनीय, मतलब इसलिए सब क्या करते हैं, महर्षि व्यासदेव को पूजा करते हैं या आदर करते हैं। क्यों करते हैं? महर्षि व्यासदेव महाभारत नामक विशाल ग्रंथ रचना किए थे और जो भी महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में सब कुछ है। ठीक है, हमारे भारतीय के संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में है और भगवत गीता है के बारे में है, तो इसीलिए हर कोई इंसान सब क्या करते हैं, महर्षि व्यासदेव को स्मरण करते हैं और आदर करते हैं और पूजा भी करते हैं। फिर देखो नमस्तु, तो महर्षि व्यासदेव की स्तुति है, नमस्तुते व्यास विशाल वृद्धे कुलारविंद यत पत्र नेत्र यन तोया भारत तैल पूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, हे व्यासदेव तुम विशाल बुद्धि संपन्न अस्ति। तुम क्या हो? विशाल बुद्धि संपन्न, मतलब तुम विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा, बहुत सारे। बुद्धि का अर्थ आप लोगों को पता है, बुद्धि है संपन्न, संपन्न का अर्थ है युक्त। तुम बहुत सारे बुद्धि युक्त है, विशाल बुद्धि संपन्न, तुम विशाल बुद्धि युक्त हो। ठीक है, और तब नेत्र युगलम, तब मतलब तुम्हारा नेत्र युगलम, मतलब दोनों आँख कैसा है? विकसित है। कैसा है? विकसित मतलब खिला हुआ है। विकसित का अर्थ क्या है? खिला हुआ है। तुम्हारे जो नेत्र युगल है मतलब तुम्हारे जो दोनों आँख है वो क्या है? खिला हुआ है। देखो फुलराबिंद पत्र नेत्रम, तो पद्म पत्र सदृश कैसे खिला हुआ है? पद्म पत्र सदृश, जैसे पद्म के पत्ता, आप लोग को पता है कि जैसे पद्म फूल के पत्ता क्या होता है? सदृश मतलब समान, पद्म पत्ता के समान है, पद्म पत्र के समान है। प्रफुल्लम प्रसन्नम च, सुंदर और खुश है। जैसे सरोवर में, जैसे तालाब में पद्म फूल के पत्ता आप लोग ने देखे होंगे कैसे विकसित होता है, कैसे खिला हुआ होता है, वैसे ही महर्षि व्यासदेव के जो दोनों आँख है वैसे खिला हुआ है, वैसे ही खुश है, वैसे ही सुंदर है। ठीक है, और महाभारत से रचना कृत्वा, महाभारत ग्रंथ के रचना करके, कृत्वा का अर्थ करके, तो यह ज्ञान रूपक प्रदीप प्रज्वलिता, तो यह मतलब आप क्या किए? ज्ञान रूपक मतलब ज्ञान रूपक प्रदीप, प्रदीप का अर्थ क्या है? दिया, दिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रदीप, प्रदीप प्रज्वलिता, दिया जलाए। कैसा दिया जलाए? ज्ञान रूपक दिया जलाए, क्योंकि जब हम महाभारत ग्रंथ पाठ करते हैं हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ठीक है, तो इसीलिए आप महाभारत ग्रंथ रचना करके ज्ञान रूपक दिया जलाया। ठीक है, प्रज्वलित का अर्थ है जलाया, कैसे दिया, क्या जलाया? प्रदीप मतलब दिया जलाया, कैसा दिया ना? ज्ञान रूपक दिया। ठीक है, ज्ञान रूपक दिया जलाया महाभारत ग्रंथ को रचना करके। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको रीड कीजिए और जहाँ समझ में नहीं आ रहे मुझे रेस्पॉन्स ग्रुप में पूछिए।